हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बेबी के लिए डायपर बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मैंने दो पीस लिए। तो ये देखिए, इस तरह से दो पीस लिए। तो देखिए, यहाँ से इसका मेजरमेंट देखेंगे हम। इसकी चौड़ाई 12 इंच है, ये देखिए इसकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई हमने ली यहाँ पे 13 इंच। 13 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 12 इंच लिए। तो इसे लंबाई की तरफ से हम डबल फोल्ड करेंगे, यानी कि ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने इसे लंबाई की तरफ से 4 फोल्ड कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से 5 इंच यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे 5 इंच पे, और इस साइड से भी 5 इंच पे करेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ से 5 इंच लिया और इस साइड से भी 5 इंच लिया। अब मैं यहाँ से, ये देखिए बंद साइड है, यहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, और यहाँ से ऊपर से भी मैं 1.5 इंच लूंगी। तो देखिए, इस साइड से ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया और इस कॉर्नर से मैंने 2.5 इंच लिया। अब यहाँ से 1 इंच भी यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान बनाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ से इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इसे मैं शेप दूंगी यहाँ से इस तरह से, जहाँ हमने 2.5 इंच लिया ऊपर की ओर, इस तरह से इसे थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा नीचे से कर्व शेप देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे देखिए लंबाई की तरफ से इसे 4 फोल्ड किया है। यहाँ से मैंने 5 इंच लिया और 5 इंच एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से 2.5 इंच लिया है और ऊपर से भी मैंने 2.5 इंच लिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर्व शेप देते हुए इसे लाइन ड्रॉ किया। अब इसे कट करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ भी हम थोड़ा सा हल्का सा गोले का शेप देंगे ऊपर के। तो देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा गोले का शेप दिया है। अब कटिंग के बाद देखिए इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को अलग करेंगे। इस तरह से ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। उल्टी साइड पे हम उल्टी साइड रखेंगे और सीधी साइड ऊपर करेंगे, और ये दोनों को सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों तरफ से सिलाई लगा के दोनों को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसके लिए पाइपिंग निकालेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में एक लिया है फैब्रिक, अब इसकी हम पाइपिंग निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की यहाँ पे पाइपिंग निकालूंगी इसकी। देवरे पट्टी इस तरह से हम क्रॉस में लेते हैं और 1.5 इंच पे देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डबल में ये डबल फैब्रिक लिया है ताकि हमारी ओर पट्टी ज़्यादा निकलेगी। इस तरह से हम 1.5 इंच पे ये ओर पट्टी निकालेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से उरे पट्टी निकाल ली है, ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से ऑपोजिट साइड में हम इसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। और देखिए इसके कॉर्नर्स इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से उरे पट्टी को ज्वाइन करके एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी निकाली है, 2 इंच चौड़ी निकाली है। इसे हम इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब 2-2 इंच की हम, तो यहां से हम 2-2 इंच की 2 स्ट्रिप निकालेंगे इस तरह से। अब यहां से मैं नीचे की ओर से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करूंगी, एक सीधी लाइन दूंगी यहां से। तो देखिए मैंने 1.5 इंच पे एक मार्किंग की, यहां से एक सीधी लाइन दी। अब ये देखेंगे यहां से ये कितना है। तो ये 5 इंच है, तो 5 इंच का हम सेंटर निकालेंगे। और यहां से हम आधा आधा इंच इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसे हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इसे हम इस तरह से कर देंगे। अब यहां पे एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये जॉइंट कर दिया। अब इस पर हम उरेब पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो जो हमने उरेब पट्टी निकाली थी, देखिए रॉन्ग साइड से इस हम जहाँ पे हमने ये ज्वाइन किया उसके पीछे के साइड से हम ये उरेब पट्टी ज्वाइन करेंगे। सीधा कट कर लेंगे यहाँ से और इसे देखिए यहाँ से रखते हुए सिलाई लगाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सुई को नीचे रखते हुए घुमाएंगे इसे।
जो एक्स्ट्रा पट्टी होंगी उसे कट कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे, तो सभी जगह हम कट लगा देंगे। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये कॉर्नर्स हम थोड़ा बाहर निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। और इस पट्टी को हम थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से पाइपिंग अटैच कर दी है। अब हम इसके लिए ऊपर के लिए एक डोरी बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये डोरी ली है, तो मैंने यहाँ पे 26 इंच लंबी ली है, 26 इंच की है लंबी है और 2 इंच चौड़ी है। तो इसका हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह सेंटर निकाल के इसको कट लगा देंगे और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद देखिए यहाँ पे हम पीछे की साइड से इस सेंटर को हम सेंटर पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। हम इस तरह सीधा करेंगे। अब देखिए इसे हम इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक बार फोल्ड करेंगे और इसकी डोरी बना के इसे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए लास्ट में हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसे वापस फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये इस तरह से ये डायपर बना के तैयार कर लिया। ये देखिए अब इसे हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, और इस नाड़ू के इसमें डालेंगे। इस साइड से भी इसको डालेंगे।
तो यहाँ पे हमारा ये डायपर बन के तैयार है, देखिए इस तरह से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।